इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। व्यवस्था को धत्ता बताते हुए लोगों के दिल को दहला देने वाली घटना को एक सिरफिरे आशिक ने अंजाम दिया है। गाजीपुर जनपद के दिलदार नगर थाने के बहुवारा गांव में किशोरी के विरोध करने पर सिरफिरे ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्यारे को पुलिस तत्काल गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। शाम बहुवारा गाँव की 3 सहेलियां टहलने के लिए घर से निकली थी। रास्ते में सिरफिरा रंजीत ने किशोरी अर्चना को सहेलियों से अलग खींचकर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करने लगा। तब तक वह वार करते रहा जब तक अर्चना के प्राण पखेड़ू नहीं उड़ गए। रक्त रंजित अर्चना को देख सहेलियां परिजनों को खबर दी। परिजनों ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया। हत्यारे सिरफिरे आशिक को पकड़कर पुलिस पूछताछ में लगी है। आपको बता दें कि सिरफिरे रंजीत ने अर्चना से आए दिन छेड़छाड़ कर रहा था, जिसका विरोध अर्चना की थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के बेटियों की निर्भागता के कारण सामने कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनिल कुमार। कहाँ के निवासी हैं आप? बहुरा के। नौरा के। आज आपकी जो लड़की के साथ घटना हुई है, ये किस वजह से हुई है? ये लोग सर बिरादरी के हैं, जो राहुल बिरादरी के हैं, ये सब 4-5 महीना 6 महीना से परेशान कर रहा था। हम सूचना भी दिए, बेटी को मना लो। ऐसी घटनाएं उस बिरादरी के 2-4 लड़के पहले भी कर चुके हैं। आज दिनांक 24/11/2017 को थाना दिलदार नगर के अंतर्गत गांव बहुआरा में अनिल रावत की पुत्री है कुमारी अर्चना, उनको चाकू द्वारा हत्या किया गया। इस सिलसिले में रंजीत नामक व्यक्ति आधा कत्ल समेत पुलिस गिरफ्तार कर लिया है। डेड बॉडी मॉर्चरी में भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। इसमें 302 का मुकदमा लिखा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आईबी इंडिया न्यूज के लिए गाजीपुर से मेहताब आलम।